नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूँ प्राची पाराशर। शाम के 6:30 बज चुके हैं और वक्त है 70 के संग्राम का। 70 के संग्राम में आपको दिखाएंगे, लेकिन इस वक्त बंगाल से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। बंगाल में बड़ा रेल हादसा हुआ है, जहां बीकानेर एक्सप्रेस पटरी से उतर गई। हादसे में अब तक प्रशासन ने 3 लोगों की मौत की पुष्टि की है, जबकि कई लोग अभी भी ट्रेन की बोगियों में फंसे हो सकते हैं। 15 घायलों को अस्पताल भेज दिया गया है। लगातार राहत और बचाव काम जारी है। हादसे में 12 बोगियों को नुकसान हुआ है। रेलवे प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया है। हेल्पलाइन नंबर है 8134054999। हादसे वाली जगह पर 51 एम्बुलेंस लगाई गई हैं। साथ ही अस्पताल के सभी आसपास के सभी अस्पतालों को हाई अलर्ट पर भी कर दिया गया है। ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं, क्योंकि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं। मौके पर चीख पुकार मच गई, क्योंकि 12 डिब्बे हैं जो कि क्षतिग्रस्त हुए हैं, पटरी से डीरेल हुए हैं। और इस हादसे में हालांकि अभी जो शुरुआती जानकारी आ रही है, 3 लोगों के हताहत यानी कि मौत की खबर मिल रही है, जबकि कई लोग ऐसे हैं जिनको फिलहाल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मौके पर अभी भी राहत और बचाव कार्य जारी है। अभी भी डिब्बों में फंसे हुए लोगों को बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो ट्रेन है वो पटना से गुवाहाटी जा रही थी और इसी बीच ये हादसा हुआ है। ये भयावह और बड़ा हादसा हुआ है। हरिद्वार से बड़ी खबर, जहां जितेंद्र नारायण त्यागी हिरासत में लिए गए हैं। नारसन बॉर्डर से हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में लिया है। धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिया था। हरिद्वार नगर कोतवाली में मामला दर्ज है। एसआईटी पूरे मामले की जांच कर रही है। देखिए, हरिद्वार में धर्म संसद विवादों का सबब बन गई। जिस तरीके से उसमें भड़काऊ भाषण दिया गया, उसके बाद लगातार इस धर्म संसद पर सवाल उठने लगे, सियासत जमकर हुई और अब भड़काऊ भाषण देने के आरोप में गिरफ्तारी भी हुई है। आपको बता दें कि पुलिस ने जितेंद्र नारायण त्यागी को हिरासत में ले लिया है। नारसन बॉर्डर से हरिद्वार पुलिस ने हिरासत में लिया है। आपको जानकारी दे दें कि धर्म संसद में भड़काऊ भाषण दिया था। हरिद्वार नगर कोतवाली में इस पर मुकदमा दर्ज है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव है, लिहाजा हर किसी की जुबान पर सिर्फ चुनाव की ही बात है। उत्तराखंड के सियासी गलियारों में भी आज सियासी खबरें ही उबाल मारती रही। राजधानी देहरादून से लेकर दिल्ली तक हलचल बढ़ी रही। एक तरफ टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है, तो वहीं टिकट कटने की आशंका ने कई नेताओं की नींद उड़ा रखी। मैं 3 साल मुख्यमंत्री रहा, 14, 15, 16। चुनाव करीब आते ही उत्तराखंड के सियासी गलियारे में हलचल बढ़ गई है। गुरुवार को उत्तराखंड के सियासी गलियारे से बड़ी खबर आई कि हरक सिंह रावत, सुबोध उनियाल और प्रहलाद जोशी मीटिंग कर रहे हैं। बंद कमरे में चुनाव प्रभारी प्रहलाद जोशी, मंत्री हरक सिंह रावत और सुबोध उनियाल के बीच मंथन हुआ। कहा जा रहा कि इस दौरान कई विधानसभा सीटों पर टिकट के बंटवारे को लेकर बातचीत हुई। हरक सिंह रावत अपनी पुत्र वधु के लिए लैंसडाउन से टिकट की पैरवी कर रहे हैं, इसीलिए इस मीटिंग से सियासी गलियारे में चर्चाओं का बाजार गर्म है। इसके साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि हरक सिंह खुद अपनी सीट बदलना चाहते हैं। इस पर हरक सिंह रावत से सवाल किया गया, तो देखिए वो किस तरह से जवाब देते नजर आए। मैं तो पाकिस्तान से तो नहीं, आप मुझे बता दो कि क्या मैं पाकिस्तानी हूँ, चाइना से आया हूँ? अरे उत्तराखंडी हूँ, भारत का नागरिक हूँ। मतलब मैं सोचता हूँ कि ये संकुचित सोच किसी की, वो जब किसी की संकुचित सोच होती है तो मैं सोचता हूँ उससे, मुझे आप बता दो। मुझ पे आरोप लगा जब मैं लहसुन से लड़ा, चुनाव लड़ा, लोगों ने मुझ पे भार होने का आरोप लगाया। लहसुन के लोगों से आज पूछो कि सबसे ज़्यादा काम लहसुन में किया कि नहीं किया मैंने ईमानदारी से। इस बीच ये भी खबर आई कि भाजपा संगठन ने लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत को कोर्ट द्वार से टिकट देना तय किया है। सीट बदलने को लेकर दिलीप रावत को संगठन की ओर से पेशकश की गई, मगर इसी दौरान कांग्रेस के संगठन महामंत्री मथुरा दत्त जोशी का बयान सामने आया। उन्होंने दावा किया कि कांग्रेस के संपर्क में भाजपा के कई विधायक हैं। उन्होंने दिलीप रावत का भी जिक्र किया। दिलीप रावत ही नहीं, बहुत से रावत संपर्क में है, बहुत से लोग संपर्क में हैं। अब उनको कब पार्टी में आएंगे, किस हिसाब से पार्टी में आएंगे,
क्या उनका आने का तरीका होगा ये आने वाला भविष्य बताएगा। और इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि भाजपा के अधिकांश विधायक कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं और समय आने पर वो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी, अब ठीक है अभी तो बहुत समय है क्योंकि 28 तारीख लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है, नामांकन की अंतिम तिथि 28 तारीख है और 28 तारीख तक कुछ भी हो सकता है। हलचल सिर्फ देहरादून में ही नहीं बल्कि दिल्ली में भी उत्तराखंड के नेताओं का मंथन हो रहा था। कांग्रेस नेता टिकटों को लेकर दिल्ली दरबार पहुंचे हैं। इस दौरान विधानसभा चुनाव के प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन हुआ। कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग के बाद सभी प्रत्याशियों के नाम पर आखिरी मोहर लग जाएगी। तो गुरुवार का पूरा दिन सियासी गहमा गहमी से भरा रहा। मतदान करीब आते ही इस तरह की सियासी गहमा गहमी और बढ़ने की उम्मीद है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार और पंकज के साथ दिल्ली से अविनाश तिवारी की रिपोर्ट। टिकट कटने की आशंका ने कई नेताओं की नींद उड़ाती है। लैंसडाउन से विधायक दिलीप रावत भी इन दिनों इसी को लेकर परेशान है। कभी उनकी कांग्रेस नेताओं से मुलाकात की खबरें आती हैं तो कभी भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होने की। हालांकि दिलीप रावत ने इसे खारिज कर दिया है। दिलीप रावत का कहना है कि वो पार्टी हाईकमान के आदेश के मुताबिक ही कोई काम करे। मैं आश्चर्यचकित हूँ कि इस तरह की खबरें छाप रही हैं और मैं कल भी आज भी पार्टी कार्यालय में था और जो लोग ये खबर छपा रहे हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि बिना आधार के कोई समाचार न छापें और ये दुर्भाग्यपूर्ण। 15 तारीख को शायद बैठक संभावित है, वो हमारे शीर्ष नेतृत्व तो उसमें निश्चित करेगा, फिर 18 तारीख को केंद्र नेतृत्व तो करेगा। अभी तो जब बात ही नहीं हुई शुरू तभी तो बिना बात के कयास लगाया। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि मैं घोर हिंदूवादी हूँ, राष्ट्रवादी हूँ और इसलिए मेरी आइडियोलॉजी बदलने का तो कोई मतलब ही नहीं होता और मुझे पार्टी जो भी कार्य देगी मैं उसको निकालूंगा। भाजपा में टिकटों को लेकर मंथन चल रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि जल्द ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। लोगों ने, हमारे प्रभारी जी ने, आदरणीय प्रहलाद जोशी जी ने पूरा फीडबैक लिया है, सब जिले के लोगों से मिले हैं और अब जल्दी हमारी कोर कमेटी बैठेगी। कोर कमेटी के बाद प्रदेश की समिति में इसकी चर्चा होगी और प्रदेश की समिति में चर्चा होने के बाद वो सारे के सारे नाम जो आएंगे वो केंद्रीय संसदीय बोर्ड को जाएंगे और केंद्रीय संसदीय बोर्ड से जो तय सीमा है उस तय सीमा में सबके नाम जो है तय हो जाएंगे। किसका टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा, किसको मिलेगा, ऐसी कोई चर्चा अभी तक नहीं हुई है और जो भी टिकट जिसको भी मिलेंगे सब देश काल परिस्थिति के अनुरूप जो कार्यकर्ता जो भी उसमें फिट बैठते होंगे या उस विधानसभा के अनुरूप उनका ठीक प्रकार से जो है उस समय समन्वय बनेगा उसमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जो है क्योंकि प्रत्याशी का चयन होता है। किशोर उपाध्याय को कांग्रेस के तमाम अहम पदों से हटा दिया गया है और इस कार्रवाई को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री मथुरा दत्त जोशी ने कहा है कि पार्टी हाईकमान के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से किशोर उपाध्याय की एक्टिविटी सामने आ रही थी, जिस तरीके से उनके बारे में खबरें सामने आ रही थी और कई बीजेपी नेताओं से संपर्क की भी बातें सामने आ रही थी, उसके बाद ये फैसला लिया गया, उसके बाद ये जो कार्रवाई है किशोर उपाध्याय पर वो की गई है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किशोर उपाध्याय जो कि कद्दावर और बड़े नेता रहे कांग्रेस के, उन्हें जब पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है तो वो अब क्या कदम उठाएंगे, किस पार्टी का दामन थामे। पार्टी ने जो भी निर्णय लिया है बहुत सोच समझ के निर्णय लिया है और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने ये निर्णय लिया है इसलिए इसमें ज़्यादा तो कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन निश्चित रूप से अनुशासन सबके लिए है, छोटे कार्यकर्ता के लिए भी है, बड़े कार्यकर्ता के लिए भी है और पार्टी में अनुशासन बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी है। मैं समझता हूँ इसलिए आज से निर्णय लिया गया। आप नेता कर्नल अजय कोठियाल ने गंगोत्री विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया। कर्नल कोठियाल के साथ 5-5 लोगों की 30 टीमें गंगोत्री के अलग अलग हिस्सों में प्रचार कर रही हैं। इसी कड़ी में अजय कोठियाल ने भटवारी, मिसार, पटूरी, भवन और काली गांव में प्रचार किया।
आपको बता दें कि कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री सीट से ही चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अब इसको लेकर उन्होंने अपनी जो तमाम तैयारियां हैं वो शुरू कर दी हैं, क्योंकि दूसरे चरण में उत्तराखंड में इलेक्शन होने हैं, यानी पोलिंग होनी है, 14 फरवरी को मतदान होना है और उससे ठीक पहले अब तमाम नेताओं ने अपनी कमर कस ली है और डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग की जा रही है, क्योंकि आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की रैली और किसी भी प्रकार के बड़े कार्यक्रम को लेकर रोक लगा रखी है और इसी को ध्यान में रखकर अब तमाम जो नेता हैं वो अपना प्रचार कर रहे हैं। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने किच्चा विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन में हिस्सा लिया। इस दौरान मनीष सिसोदिया ने एक ग्रामीण के घर में भोजन भी किया। मनीष सिसोदिया का कहना है कि आम आदमी पार्टी को जनता का काफी समर्थन मिला है। काशीपुर में बसपा की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई। बसपा के प्रदेश प्रभारी मेघराज जरावरे ने कहा कि पार्टी 20 प्रत्याशियों की सूची जारी करने जा रही है। पार्टी में पूर्व में कुछ प्रत्याशियों की घोषणा की जा चुकी है और एक दो रोज में सभी सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि बसपा चुनाव में बेरोजगारी और पलायन को मुद्दा बनाने की तैयारी कर रही है। 20 कैंडिडेट की आज घोषणा हो सकती है और कुछ कैंडिडेट की हमारी लगभग 7-8 कैंडिडेट की घोषणा पहले से हो चुकी है। और पूरी सूची कब तक जारी होगी? पूरी सूची एक दो दिन के अंदर जारी हो जाएगी। सभी 70 सीटों पर? आप सभी 70 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी चुनाव। डीडी हाट में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की तरफ से प्रशासन की इजाजत के बगैर मीटिंग की गई थी। प्रशासन ने इसे आचार संहिता का उल्लंघन माना है और कार्रवाई की है। इसे लेकर कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है। एमसीसी लगने के उपरांत जो स्टेट इलेक्शन कमीशन की डायरेक्शंस है उसके अनुसार 15 जनवरी तक किसी भी प्रकार की कोई पॉलिटिकल गैदरिंग और पॉलिटिकल रैली या पॉलिटिकल सभा करने पे जो है उस पर अभी रोक लगी हुई है। तो हमारे पास ये सूचना थी कि कुछ पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा एक पॉलिटिकल मीटिंग की जा रही है, तो उनके विरुद्ध पिथौरागढ़ कोतवाली में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट व 188 IPC के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया। कल मकर संक्रांति का स्नान है, लेकिन इस बार हरिद्वार में प्रशासन ने मकर संक्रांति के स्नान पर पाबंदी लगा दी है। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए मकर संक्रांति स्नान को जिला प्रशासन पहले ही प्रतिबंधित कर चुका है। अब श्रद्धालुओं को जिले के अंदर आने और गंगा घाटों तक पहुंचने से रोका जा रहा है। हरिद्वार प्रशासन के हर की पैड़ी और आसपास के सभी घाटों पर स्नान पर पाबंदी लगा रखी है। जो लोग मकर संक्रांति स्नान के लिए हरिद्वार आने की कोशिश कर रहे हैं उनके वाहनों को प्रदेश के बॉर्डर से लौटाया जा रहा है। और चलिए सीधा रुख करेंगे, मेरे सहयोगी विनोद जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विनोद, देखिए मकर संक्रांति पर जिस तरीके से लोगों का हुजूम उमड़ता है गंगा स्नान के लिए, इस बार ना उमड़े इसके इंतजाम प्रशासन की तरफ से किए गए हैं और क्या कुछ खास तैयारी देखने को मिल रही है, क्योंकि कोविड का संक्रमण उत्तराखंड में भी तेजी के साथ फैल रहा है। बिल्कुल प्राची, देखिए राज्य सरकार की ओर से एहतियातन कदम ऐसे उठाया गया है कि इस बार का जो मकर संक्रांति का स्नान कल होने जा रहा था उस पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध राज्य सरकार ने लगा दिया है, क्योंकि अब राज्य में कोविड की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी हो रही है और आज भी करीब 3000 से ज़्यादा मामले देवभूमि के आए हैं। कल मकर संक्रांति का स्नान है जिसको लेकर पूरी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम पूर्ण रूप से किए गए थे, लेकिन जैसे ही रद्द स्नान को किया गया है, लेकिन अब ये जरूर माना जा रहा है कि जितने भी यात्री या जो श्रद्धालु उत्तराखंड की ओर आएंगे उत्तराखंड के तमाम बॉर्डर्स पर चेकिंग अभियान की जा रही है और विशेष सख्ती बरतने के भी निर्देश यहाँ पर दिए जा रहे हैं। अगर हरिद्वार की सीमाओं की बात करें, हरिद्वार की सीमाओं पर विशेष निगरानी और चेकिंग अभियान चलाया जाएगा और उसके बाद में कोई भी श्रद्धालु हर की पौड़ी प्रांगण पर नहीं पहुंच सकता है, क्योंकि अब बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने ये फैसला लिया है प्राची कि इस बार का भी मकर संक्रांति का स्नान स्थगित कर दिया जाए। और अमूमन ये माना जाए कि अगर सामान्य ये स्नान होता तो करीब 20 लाख से ज़्यादा श्रद्धालुओं की भीड़ इस मकर संक्रांति के स्नान में उमड़ती और पूर्व में भी जिस तरह से रहा है, पिछले 3 साल ऐसे हो गए हैं कि मकर संक्रांति के स्नान प्रभावित हुए हैं, और लेकिन इस बार भी बढ़ते कोविड संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने ये बड़े फैसला लिया है कि इस बार का मकर संक्रांति का स्नान रद्द कर दिया गया है, क्योंकि प्रदेश में कोविड के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं और आज ही
करीब 6-7 महीने के बाद में बड़ी संख्या में जो मामले आए हैं, क्योंकि 3000 मामले आज राज्य के हैं और इसके अलावा 3 मौतें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आज प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की है कि और जिस तरह से बढ़ते कोविड काल संक्रमण को देखते हुए आखिरकार राज्य सरकार की क्या तैयारी है, और राज्य सरकार कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती, कोई भी ऐसी लापरवाही ना बरती जाए, जिसको लेकर विशेष सख्ती बरतने के भी निर्देश यहाँ पर दिए हैं। बिल्कुल, देखिए बड़ा फैसला है, अहम फैसला है और ये फैसले बहुत जरूरी भी हैं, क्योंकि जिस तरीके से संक्रमण बढ़ रहा है विनोद, उसको देखकर ये फैसला बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। शुक्रिया आपका विनोद तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार उत्तराखंड में कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं, और इस बीच बड़ी खबर ये है कि कोरोना के केस नहीं रुक रहे हैं। आज कोरोना के रिकॉर्ड 3005 नए केस सामने आए हैं उत्तराखंड में। देहरादून में यानी राजधानी में सबसे ज्यादा 1224 नए केस सामने आए हैं। हरिद्वार में कोरोना के 426 नए केस सामने आए हैं, और इसीलिए एहतियातन तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इसीलिए मकर संक्रांति का स्नान रोक दिया गया है, क्योंकि आपको बता दें मकर संक्रांति के स्नान लाखों की संख्या में भीड़ हर की पैड़ी पर पहुंचती है स्नान करने के लिए। तो कल मकर संक्रांति का स्नान है, और कोरोना की वजह से इस बार प्रशासन ने हर की पैड़ी पर श्रद्धालुओं को स्नान की इजाजत नहीं दी है। कोविड के बढ़ते संक्रमण की वजह से इस बार बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालु गंगा में डुबकी नहीं लगा पाएंगे। रुड़की के नारसन बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात कर दी गई है, ताकि श्रद्धालु ना जा सके हरिद्वार, और हर की गाड़ी पर भीड़ इकट्ठा ना हो और कोरोना का जो खतरा है उसे कम किया जा सके। मकर संक्रांति का स्नान जिलाधिकारी महोदय ने कोविड को देखते हुए वो प्रतिबंधित कर दिया है। साथ में बॉर्डर पे हमारे, जैसा कि आप जानते हैं कि लगातार चेकिंग चल रही है, और जिनके पास डबली वैक्सीनेटेड हैं या उनके पास 72 घंटे पुरानी RT-PCR की रिपोर्ट नहीं है, उनको केवल उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है जिनके पास ये चीजें हैं। पौड़ी जिले में चुनाव ड्यूटी के लिए पहुंचे 30 BSF जवानों की कोरोना जांच पॉजिटिव आई, जबकि अभी भी कई जवानों की रिपोर्ट आना बाकी है। ज्यादातर जवानों में सर्दी खांसी की शिकायत है। दरअसल चुनाव ड्यूटी में सुरक्षा के लिहाज से गुजरात से BSF की बटालियन पौड़ी पहुंची है। बॉर्डर पर सभी जवानों की कोरोना जाँच की गई तो पता चला कि 30 जवान कोरोना संक्रमित है। देखिए हरिद्वार में बड़ा फैसला लिया गया है, कोरोना की वजह से स्थान पर पाबंदी लगा दी गई है। तो उत्तराखंड में राजभवन में 33 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव आए हैं, एहतियातन राजभवन को 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार राजभवन में एक कर्मचारी संक्रमित मिला था। मंगलवार को 158 कर्मचारियों की जाँच कराई गई, जिसमें 32 कर्मचारी संक्रमित मिले। अब कुल 33 कर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, ये सभी संक्रमित होम आइसोलेशन। बागेश्वर के पिंडर घाटी इलाके में बर्फबारी के बाद हर तरफ बर्फी बर्फ पिछी नजर आ रही है। इस दौरान सड़कों पर भी कई फीट बर्फ जम गई है, जिस वजह से सड़क से वाहन लेकर गुजर रहे लोगों को परेशानी हो रही है। बर्फबारी की वजह से गाड़ियों के टायर फिसल रहे हैं, जिस वजह से वाहन चलाना भी मुश्किल हो गया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही।